देख रहे हैं हिंद 24 टीवी खबर पल पल की। नमस्कार, मैं मरियाहो विधानसभा के सुदेरी थाना क्षेत्र के सुदेरी गांव में मौजूद हूं, जहां पे कुछ ग्रामीण मौजूद हैं जो कि मरियाहो विधानसभा के मतदाता हैं। मैं इनकी राय जानना चाहता हूं कि 2022 में किसके साथ में किसकी सरकार बनाएंगे, जबकि मेरे चैनल के माध्यम से कार्यक्रम चलाया जा रहा है यूपी का जलवा कि 2022 में किसकी बनेगी सरकार, किसके सर पर बंधेगा ताज। तो आइए हम जानते हैं कि यहाँ सर जी बैठे हुए हैं, अपना फुल नाम बताइए। सत्येंद्र कुमार सिंह। किस गांव से सर? सुदेरी। तो हमारे सर चैनल के माध्यम से कार्यक्रम चलाया जा रहा है यूपी का जलवा जी, जिसमें हम जनता की राय जानने के लिए आए कि 2022 में किसकी सरकार बनाएंगे, किसके साथ बनाएंगे। सर आप बीजेपी का कोई एक ऐसा काम बताइए जो कि आप संतुष्ट हैं सर? काम है क्या आगे सरकार में? तो आगे चलते हैं भाई, सर इनसे बात करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से कार्यक्रम चल रहा है यूपी के जलवा, क्योंकि हम जानना चाहते हैं 2022 में किसके साथ अखिलेश का कोई एक ऐसा काम बताइए जो आपको अच्छा लगे। हर चीज जिन वो आता है बंदा तो वो वैकेंसी निकालता है, हर सबको ध्यान देता है, जो है कि जो नए नए लड़के हैं और तो बीजेपी के पास 2022 में सपा लेंगे सर? बिल्कुल लेंगे सपा। आगे चलते हैं भाई से दुकानदार उनसे बात करते हैं। सर जी अपना शुभ नाम बताइए। संदीप सिंह। किस गाँव से सर? हमारे चैनल के माध्यम से कार्यक्रम चल रहा है यूपी का जलवा, हम जानना चाह रहे हैं कि आप 2022 में किसके साथ में किसकी सरकार बनाएंगे? योगी जी का। सर योगी जी का कोई एक ऐसा काम बताइए जो आपको संतुष्ट हैं सर? संतुष्ट। 2022 में योगी ला रहे हैं सर? योगी। और आगे चलते हैं एक भाई साहब उनसे बात करते हैं। सर जी अपना शुभ नाम बताइए। सुमित कुमार सिंह। किस गांव से सर? मेरा गांव सर। जैसे कि मेरे चैनल के माध्यम से कार्यक्रम चला यूपी के जलवा, जनता की राय जानने के लिए आए कि 2022 में किसके साथ में किसकी सरकार बनाएगी? बीजेपी की। बीजेपी का। तो सर आप बीजेपी का कोई एक ऐसा काम बताइए जिससे आप संतुष्ट हैं? सरकार की एक खासियत है कि लाइट अच्छी दे रहे हैं, सड़क अच्छा दे रहे हैं, शिक्षा के माध्यम में कुछ भी परिवर्तन ला रहे हैं। जरूर जरूर। अभी चलते हैं भाई से उनसे बात करते हैं। सर अपना शुभ नाम बताइए। राजू यादव। किस गांव सर? बसारी। सर हमारे जैसे चैनल के माध्यम से कार्यक्रम चल रहा है यूपी का जलवा, हम जनता की राय जानने के लिए 2022 में किसकी सरकार बनाएंगे, किसकी साथ बनेंगे सर? सपा की। सपा की। सर सपा कोई ऐसा काम बताइए जो आपको अच्छा लगा हो? ऐसा कोई काम ही नहीं हो जो नहीं किए हैं, 100 नंबर हेल्पलाइन कार्ड और उसके बाद वैकेंसी, फिर उसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो बहुत परफेक्ट की है। सर मेरे चैनल के माध्यम से कार्यक्रम चलाया जा रहा है यूपी का जलवा, जिसमें हम ग्राम रिपोर्टिंग में जनता की राय जानने के लिए आए हैं कि 2022 में किसके साथ में किसकी सजा बना रही है। सर पहले अपना शुभ नाम बताइए। किस गाँव से सर? आपको 2022 सर आप योगी का कोई एक ऐसा काम बताइए जो आपको अच्छा लगा हो? अच्छा क्या है, सारा विकास हर चीज़ का, सड़क और हर जगह कुछ कुछ चीज़ें सबसे सबसे बढ़कर तो यह है कि 24 घंटे लाइट मिल रही है और ग्रामीण में सारी जो व्यवस्था है वो तत्काल करा रहे हैं। अगर चलते हैं चाचा जी से बात करते हैं। सर अपना शुभ नाम बताइए। हमारा धर्मेंद्र सिंह है, लेकिन हम यहाँ यहाँ बनारस के हैं। जी सर, तो जिससे आप 2022 में चुनाव आ रहे हैं उसमें आप किसकी सरकार ला रहे हैं सर? मैं आएगी तो नहीं सरकार संतुष्ट हैं सर? हाँ संतुष्ट हैं पूरा, क्योंकि नहीं इनके मतलब गुंडा राज भी खत्म हो रहा है और दूसरी बात तो सब चैन की नींद सो रहे हैं, आ भी जा रहे हैं सब लोग। आगे चलते हैं भाई सर से बात करते हैं। सर अपना शुभ नाम बताइए। जैसे कि मेरे चैनल के माध्यम से कार्यक्रम चल रहा है यूपी के चल रहा है, हम जानना चाह रहे हैं कि 2022 में किसके साथ में सरकार बनाएंगे सर? योगी से। संतुष्ट हैं? दिवेश सिंह भैया मेरे चैनल के माध्यम से कार्यक्रम चलाया जा रहा है यूपी के जलवा, जिसमें हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग में जनता की राय जानना चाह रहे हैं कि 2022 में किसकी सरकार बनाएगी, किसकी साथ बनाएंगे। जैसे कि मेरे चैनल के माध्यम से कार्यक्रम चल रहा है यूपी का जलवा,
हम जनता के लिए करने के लिए आए हैं। 2022 में इसके साथ ही किसी से ज्यादा नहीं होते। बहुत अच्छा कार्यकाल चला है योगी जी का और जो हमारा प्रभावित है और अच्छा संतुष्ट है। हम संतुष्ट हैं इसलिए क्योंकि बड़ी जनता पता हो रहा था फिर पार्टी कैसे कर रहा है। हर व्यक्ति फ्री माइंड है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए उनको आना चले। आप अभी चलते हैं भाई से उनसे बात करते हैं। हम जनता के रही जाने के लिए आए कि आप 2022 में किसके साथ में किसकी सरकार बनाएंगे सर? अपना शुभ नाम बताइए सर। तो आप 2022 में किसकी सरकार ला रहे हैं सर? तो उनका कुछ एक ऐसा काम बताइए जो आपको अच्छा लगा हो। अभी चलते हैं चाचा जी इनसे बात करते हैं। चाचा जी अपना सुन नाम बताइए। जनता के लिए जाने के लिए आएंगे 2022 में किसके साथ में किसकी सरकार बनाएंगे सर? तो सर अपना शुभ नाम बताइए। सियाना का सर ग्राम सभा सप्तम सिंह बना रहे हैं सर। जैसे कि 2022 का सरकार आ रही है उसमें किसकी सरकार बनानी चाहिए? सरकार भी हम जात का चमार ही, लेकिन हम अखिलेश मायावती की चुनल चाहते चमार है तो मायावती की चुनी, लेकिन अखिलेशों की चुनल चाहती चाहे सरकार में चुना। हमसे जात से मतलब नहीं है, न खून से रिश्ता रखा वाला इंसान है, हमसे मतलब इंसानियत से। 2022 में सपा से कर रहे सपा अगले चलते हैं भाई से उनसे बात करते हैं। ठीक है अपना सुन नाम देंगे। हमारा नाम सुनकर सर मैं जैसे सर मेरे चैनल के माध्यम से कार्यक्रम चल रही थी जगह इसको हम जनता के लिए आएंगे 2022 में किसके साथ में किसकी सरकार बनाएंगे सर? देखिए साथ वाली बात तो अलग होती है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ढंग से क्योंकि समाज में इतना ज़्यादा जो है कि परेशानी आ गई है और जो है कि लोग परेशान है, काम धंधा सब किसी का चल ही नहीं रहा। जो मध्यम वर्ग निम्न वर्ग के आदमी हैं ये लोग कार्य सही ढंग से कर नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो 2022 सर किसको लाने थे सर? अब कैसे हम बताएं, क्योंकि जो सरकार आती है सब अपने अपने ढंग से ही कार्य करते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा भाई से बात करते हैं। जी सर ठीक है सर उतर के सर चल रहे हैं इसके दिलवा हम जाते समय अपना नाम क्या है? पूरे उत्तर प्रदेश में जो लायक रहेगा उसी के लिए योगी मोदी गरीबी गरीब समाज में आता है जो सरकार में आता है वो लायक रहेगा। इन्हें गरीबी दूर कर देने से गरीबन को दूर कर हर ग्राम सभा में 10 के अमीर हैं 90 के गरीब हैं। दिखाता हूँ